हाय एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो पर। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं म्यूजिक टोन 1200 वाटेज एम्पलीफायर के बारे में। जैसा कि बहुत सारे भाई लोग का हमारे पास कमेंट भी आ रहा था कि हम 1200 वाटेज का दो टॉप चलाने के लिए एक बेहतरीन क्वालिटी का एम्पलीफायर लेना चाहते हैं और वो भी एम्पलीफायर हमारे प्राइस रेंज के अंदर में आ जाए। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ म्यूजिक टोन का 1200 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर, जो कि आपके लिए काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी का है। तो गाइस यार, इस एम्पलीफायर के बारे में फुल डिटेल और फुल स्पेसिफिकेशन आज इस वीडियो में आप लोग को देने वाला हूँ कि कैसे आप लोग को इस वाले एम्पलीफायर पे टॉप चलाना है और कितना इस पे टॉप चलेगा हेवी वाटेज का, और कैसे इसका कनेक्शन करना है, और इस एम्पलीफायर को बाई करते हैं तो कितना हमें कॉस्टली प्राइस लग जाएगा, यानी म्यूजिक टोन का 1200 वाटेज का एम्पलीफायर अभी मार्केट में कितना इसका प्राइस चल जाएगा, सारा कुछ डिटेल आप लोग को इसी वीडियो में मालूम चलेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं PSTJ ब्लॉग नंबर 1। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आप लोग को स्क्रीन पे शो हो जाएगा। आप लोग चाहेंगे तो वहाँ पर भी फॉलो करके साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट रहेगा या सवाल रहेगा तो आप लोग इंस्टाग्राम पर भी मुझे DM यानी मैसेज करके पूछ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं आप लोग को एक्टिव रहता हूँ, आपके वहाँ पर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले म्यूजिक टोन प्रोफेशनल DJ एम्पलीफायर के बारे में, जिसका मॉडल नंबर आप लोग को MT1200 देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यार, ये इंडियन एम्पलीफायर है जो कि काफी बेहतरीन क्वालिटी का है। तो चलिए गाइस, इसे हम बात कर लेते हैं फ्रंट लुक के बारे में, कि इसके फ्रंट लुक पे हमें क्या क्या फीचर और फंक्शन देखने को मिल जाता है और कैसे इस एम्पलीफायर को ऑपरेट किया जाता है। तो गाइस यार, इस एम्पलीफायर के फ्रंट पैनल कुछ इस टाइप से देखने को मिल जाता है, जो कि बड़ा सा आप लोग को एक ग्रिल होल देखने को मिल जाएगा, जो कि ग्रिल होल भी आप लोग को काफ़ी ज़्यादा डिजाइनिंग में देखने को मिल जाएगा, जो कि व्हाइट और ब्लैक का काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा कॉम्बिनेशन है और इस एम्पलीफायर को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लुक देता है। गाइस यहाँ पर इस एम्पलीफायर में आप लोग को म्यूजिक टोन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और ये एक प्रोफेशनल DJ एम्पलीफायर है। साथ ही गाइस यहाँ पर इसका मॉडल नंबर भी मेंशन किया गया है, जो कि MT1200 देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को 3 वॉल्यूम नॉब कंट्रोल देखने को मिल जाएगा, जो कि एक बेस कंट्रोल के लिए है और एक मिड कंट्रोल के लिए है और एक आप लोग को ट्रेवल कंट्रोल के लिए देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप लोग को 3-way टोन कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग को इस एम्पलीफायर में मिक्सर भी लगाने का कोई जरूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्टली इसे मोबाइल के द्वारा भी इसे ऑपरेट कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आप लोग को 3 व्हाइट में स्विच देखने को मिल जाएगा, जो कि एक हरन सिलेक्शन के लिए है और एक बॉक्स सिलेक्शन के लिए है, यानी आप लोग इस वाले एम्पलीफायर पर हरन भी चला सकते हैं और स्पीकर भी चला सकते हैं। साथ ही गाइस यहाँ पर आप लोग को लो पास फिल्टर के लिए यहाँ पर आप लोग को एक स्विच देखने को मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पर आप लोग को 1 वोल्ट का भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 1 वोल्ट पे चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं और 2 वोल्ट पे चलाना चाहेंगे तो चला सकते हैं। म्यूजिक आप लोग को लेवल के लिए इंडिकेट देखने को मिल जाएगा, और गाइस यहाँ पर एक मास्टर वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा, जो कि ये एक मोनो एम्पलीफायर है, इसके अंदर एक चैनल देखने को मिल जाएगा, तो एक ही यहाँ पर आप लोग को मास्टर वॉल्यूम नॉब देखने को मिल जाएगा। गाइस यहाँ पर एक स्विच देखने को मिल जाएगा, इसी स्विच को प्रेस कीजिएगा तो यहाँ पर लाइट इंडिकेट ऑन से यहाँ पर ग्रीन कलर का जलेगा और ये एम्पलीफायर चेक करेगा प्रोटेक्शन से ऑन मोड में होगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को ओवरलोड और टेम्परेचर और फॉल्ट का यहाँ पर आप लोग को ग्रीन बत्ती देखने को मिल जाएगा और येलो और रेड कलर का, तो इस टाइप से आप लोग इस एम्पलीफायर को ऑपरेट कर सकते हैं। चले गए, सब हम बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के बैक पैनल के बारे में। तो गाइस यार, बैक पैनल पे आप लोग को बड़ा सा एक फ़ैन देखने को मिल जाएगा, जो कि इसके अंदर एक ही फ़ैन है, जो कि ये एक मोनो एम्पलीफायर है, इसके अंदर एक ही मॉड्यूल का यूज किया गया है, जो कि एक चैनल इसमें है। साथ ही गाइस यहाँ पर आप लोग को एक रीसेट का बटन देखने को मिल जाएगा, जो कि ओवरलोड आपका एम्पलीफायर होगा तो रीसेट का बटन का पुनः फिर से प्रेस कीजिएगा तो आपका एम्पलीफायर पुनः फिर से रन करना चालू कर देगा। गाइस यहाँ पर आप लोग को एक फ्यूज देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे आप लोग को म्यूजिक टोन का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा और MT1200 देखने को मिल जाएगा इसका मॉडल नंबर। इसका पावर कोड भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि इंडियन पावर कोड में किसी में भी लग जाएगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। साथ ही गाइस, इसमें आप लोग को इनपुट करने के लिए एक SLR का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, और आउटपुट के लिए आप लोग को जैक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्पीकर कनेक्शन के लिए आप लोग को कॉमन 2 ओम और 4 ओम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, और साथ ही इसमें आप लोग को हॉर्न ड्राइवर यूनिट कनेक्ट के लिए 100 वोल्ट और 70 वोल्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जो कि आगे आप लोग को बताया कि इसमें 2 मोड का फंक्शन है, जो कि आप लोग स्पीकर और हॉर्न सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए गाइस, हम बात कर लेते हैं इस एम्पलीफायर के
पावर आउटपुट के बारे में, तो इसका पावर आउटपुट आप लोग को 1200 वाटेज आरएमएस देखने को मिल जाएगा और इसका मैक्स पावर आप लोग को 1400 वाटेज देखने को मिल जाएगा। यानी एक 1200 वाटेज का मोनो एम्पलीफायर है, एक चैनल का एम्पलीफायर है, लेकिन इसमें 1400 वाटेज तक का भी लोड डालिएगा तो कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। इस एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आप लोग को 50 से 20 हज़ार वाटेज देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी बेस्ट है, दूर तक इसका साउंड क्वालिटी जाएगा। इस एम्पलीफायर की बात करेंगे कि ऑपरेटिंग के लिए कितना पावर इसमें देना होगा, तो इसमें ऑपरेटिंग के लिए पावर सप्लाई आप लोग को 230 वोल्ट देना होगा, जो कि 50 हर्ट्ज पे काम करेगा, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। इतने से कम पावर में भी ये चल जाएगा और आप लोग को काफ़ी ज़्यादा ये लाउडनेस आवाज़ निकाल कर देगा। तो गाइस यार, बात करेंगे इस एम्पलीफायर के लोड कैलकुलेशन के बारे में और इसके प्राइस के बारे में भी बात करेंगे लास्ट में। तो गाइस यार, सबसे पहले हम बात करेंगे 2 ओम कनेक्शन के लिए। तो 2 ओम के लोड के लिए आप लोग को 700 वाटेज का एक टॉप लेना होगा, जिसका इम्पीडेंस 4 ओम रहेगा। तो इस टाइप के आप लोग 2 टॉप लगा सकते हैं, तो 4 ओम से डायरेक्ट हो जाएगा 2 ओम और इसका वाटेज 1400 वाटेज हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर ये 1400 वाटेज का इजीली लोड ले लेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोग 700 वाटेज के 2 टॉप चला सकते हैं, जो कि इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि जो रेड वायर है उसको आप लोग को लगा देना है 2 ओम पे, और जो इसका माइनस यानी ब्लैक वायर है उसको आप लोग को कॉमन पे लगा देना है। अब गाइस हम बात करेंगे कि 4 ओम पे एक टॉप या 2 मॉनिटर चलाना हो गया तो कैसे चलाएंगे। तो 4 ओम पे आप लोग 1200 वाटेज का एक ही टॉप चला सकते हैं, जो कि 4 ओम इम्पीडेंस करेगा, तो आप लोग 4 ओम पे कनेक्शन कर देना है। लेकिन गाइस आपके पास अगर 2 मॉनिटर है 8 ओम वाला, जो कि आप लोग को 600 और 700 वाटेज का होना चाहिए, तो इजीली आप लोग 600 वाटेज का 2 मॉनिटर इस पे रन कर सकते हैं, जो कि 8 ओम इम्पीडेंस करेगा। तो दोनों को पैरेलल में कनेक्शन कीजिएगा तो 8 ओम से 4 ओम हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पर उसके साथ में आप लोग को 80 वाटेज का एचएफ भी हो जाता है, तो लगभग मान के चलिए तो 700 वाटेज हो जाता है। तो इजीली आप लोग 4 ओम पे 1400 वाटेज का लोड डाल सकते हैं और 2 मॉनिटर इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए गाइस अब हम बात कर लेते हैं कि इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस हमें कितना देखने को मिलेगा। तो गाइस यार, इस एम्पलीफायर का अप्रोक्स प्राइस आप लोग को 18,000 से 19,000 के बीच में देखने को मिल जाएगा, जो कि इतने प्राइस रेंज में आप लोग किसी भी डीलर के पास ले सकते हैं, या आपके हो सकता है कि मार्केट में इसका प्राइस 1,000-1,500 कम और ज़्यादा देखने को मिले, तो आप लोग वहाँ पर अपना मैनेज कीजिएगा। लेकिन गाइस ये इतने प्राइस रेंज में 1200 वाटेज का काफ़ी एम्पलीफायर ये बेस्ट है, कि ये इंडियन का भरोसेमंद एम्पलीफायर है और म्यूजिक टोन काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है। तो ये एम्पलीफायर आप लोग को कभी भी फील्ड में धोखा नहीं देगा और इस एम्पलीफायर पे आप लोग 600 या 700 वाटेज का बड़ा वाला 15 इंची का टॉप चला सकते हैं 2, जो कि आपके लिए काफ़ी बेस्ट है। तो बहुत सारे भाई लोग का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि हम 1200 वाटेज का एक मोनो एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, जिसपे 2 टॉप इजीली आराम तरीके से चल पाए, तो उसके लिए एक वीडियो लेकर आइएगा। तो गाइस यार, उन भाइयों लोग के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि 2 टॉप चलाने के लिए म्यूजिक टोन का एम्पलीफायर ये काफ़ी बेस्ट है, जो कि आप लोग के प्राइस रेंज में इजीली मिल जाता है और कोई इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस यार, आप लोग एक 1200 वाटेज का कम प्राइस में एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस एम्पलीफायर को बाय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ये बेस्ट है। तो गाइस यार, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर कमेंट करके जाना कि ये एम्पलीफायर कैसा है, म्यूजिक टोन का अगर आप लोग एम्पलीफायर यूज करते हैं तो कैसा ये रिस्पॉन्स देता है, आप लोग नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन गाइस, मेरे हिसाब से ये एम्पलीफायर प्राइस रेंज के हिसाब से 18,000 में इतने प्राइस रेंज में आप लोग को दूसरा एम्पलीफायर इतने वाटेज का नहीं मिल पाएगा। तो गाइस यार, अगर आप लोग 1200 वाटेज का एक एम्पलीफायर लेना चाहते हैं, तो आप लोग इस वाले एम्पलीफायर को परचेस करके इस पे 600 और 700 वाटेज का 15 इंची का 2 टॉप चला सकते हैं, जबरदस्त चलेगा, क्योंकि ये डीजे एम्पलीफायर है, काफ़ी ज़्यादा आप लोग को बेटर साउंड क्वालिटी निकाल कर देगा। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपके भी मन में साउंड सिस्टम से रिलेटेड कोई भी सवाल है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग नए टॉपिक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।